हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम नए अक्षरों को जानेंगे। उसके पहले हम दोहरा लेते हैं कि जो अक्षर पहले बताए गए उनको कैसे बोला जाता है। तो पहली लाइन है क, क से ङ तक, उसे कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। और दूसरी जो लाइन है च यहाँ तक, उसे तालु से बोला जाता है, तालु की सहायता से बोला जाता है। और तीसरा जो लाइन है ट, इसे मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा को स्पष्ट किया गया कि जो मसूड़े का पिछला भाग होता है, जहाँ पर जीभ जाके सकती है, वहाँ से ट का उच्चारण किया जाता है। आज हम नए अक्षर को जानेंगे। ये सामने देख रहे हैं, ये है त। त जो है दांत की सहायता से बोला जाता है, इसलिए जो भी आज अक्षर बोले जाएंगे सब दांत की सहायता से बोले जाएंगे। त, थ, द, ध, न, तो ये अक्षर हैं, सिद्धांत की सहायता से बोला जाता है। अब ये देखते हैं कि इन अक्षरों से हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं वो कैसे शुरू होती हैं, उनको देख पहचानते हैं। ये है त, रा, जू, तराजू। यह है तराजू। त से ये है थ, न, थन, थन जो है थ। ये है द, वा, त। पहले दवत का प्रयोग ज़्यादा होता था, सही रखी जाती थी और उससे लिखते थे कलम की सहायता से। द, वा, त, ध, नु, धनुष, 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 ये है धनुष। नल, नल, ये जो है जिसे पानी गिरता है, नल, जिस बोलते टुडेज लेटर्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।